CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है कक्षा 5 की हिंदी की पाठ्यपुस्तक रिमझिम में संकलित एक पाठ जो कविता पर आधारित है। पाठ का शीर्षक है बाघ आया उस रात। इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। हाँ बाबा बाघ आया उस रात। बाघ आया उस रात। इस कविता में हमारे परिवार की तरह बाघ के परिवार की बात आई है, पर आप जानते ही हैं इधर हमारे जंगलों का ये राजा बाघ गायब हो चला है। बाघों का और वनों में रहने वाले दूसरे जीवों का शिकार मना है, फिर भी चोरी छिपे इन बाघों को मारा जा रहा है। इनको बचाने के लिए हमें कोशिशें करनी चाहिए, सोचना चाहिए। आइए सुनते हैं ये कविता संगीत बद्ध रूप में। शीर्षक है बाघ आया उस रात। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला, इधर से फैला कर बतला रहा था। वो आंखें फैला कर बतला रहा था। हाँ बाबा बाघ आया उस रात। हाँ बाबा बाघ आया उस रात। आप रात को बाहर ना निकलो। आप रात को बाहर ना निकलो। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। जाने कब बाघ फिर से आ जाए। हाँ वही वही जो हाँ वही जो उस झरने के पास रहता है। वहाँ अपन दिन के वक्त वहाँ अपन दिन के वक्त गए थे ना एक रोज। बाघ उधर ही तो रहता है। बाघ उधर ही तो रहता है। बाबा उसके दो बच्चे हैं। बाघिन सारा दिन पहरा देती है। बाघ या तो सोता है या बच्चों से खेलता है। दूसरा बालक बोला बाघ कहीं काम नहीं करता, ना किसी दफ्तर में ना कॉलेज में। बाघ कहीं काम नहीं करता, आगाह किया। अब रात को बाहर होकर बाथरूम ना जाना। वो इधर से निकला, इधर से निकला, उधर चला गया। वो इधर से निकला।
बाग आया उस रात। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, रचनाकार नागार्जुन, गायन स्वर देवाशीष अनुजा विसारिया और बच्चे, ध्वन्यंकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना हरिमर्दन।